उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में आगजनी की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हो चुकी हैं। इसके बावजूद झांसी में स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि झांसी में 250 से अधिक प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, लेकिन स्थिति ये है कि सिर्फ 15 अस्पतालों के पास ही फायर की एनओसी है। इसका मतलब है कि सिर्फ 15 अस्पताल ही ऐसे हैं जिनको अग्निशमन विभाग ने प्रमाणित किया है कि यहाँ जो फायर सेफ्टी के यंत्र लगे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी आपात स्थिति में ये उसका सामना कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतज़ाम या तो नहीं हैं, और अगर हैं भी तो उनकी गुणवत्ता की जांच अभी तक हो नहीं पाई है। इस मामले में हमने बात की मुख्य अग्निशमन अधिकारी से। बहुत ही किले जो अस्पताल भेजेंगे, बस अभी तक एनओसी विनोद प्राप्त की है आपसे, तो क्या उसमें कोई बढ़ोतरी, जो लास्ट आंकड़ा था 15 का था, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं? बढ़ोतरी हो रही है, लोग फायर फाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं और हम लोग जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ नहीं है उनको बताया जा रहा है कि पूर्ण रूप से व्यवस्था कीजिए फायर फाइटिंग की, या किस तरह से आप आग लगती है तो फायर उपकरण है, हौज रिल है और हौज पाइप वगैरह है, कैसे चलाएंगे? नहीं तो कम से किसी को एनओसी को किसी तरह कोई नोटिस या कोई एक्शन भी लिया जा रहा है किसी? नोटिस तो लगभग 72-73 लोगों को नोटिस दिया गया है, और पुनः ये कानपुर वाली घटना के बाद माल मल्टीप्लेक्स वगैरह में भी नोटिस दी जा रही है।